नमस्कार साथियों, आप सभी को स्ट्राइड साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले क्लास 10 का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर आपका 4 है और दोस्तों ये पार्ट 2 वीडियो होगा। चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्यावसायिक बैंकों के कार्य। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्यावसायिक बैंकों के क्या क्या कार्य थे। तो जमा राशि को स्वीकार करना, मतलब आपके पास पैसा हो जाता है थोड़ा ज़्यादा, तो आप क्या करते हैं बैंकों में ले जाकर उसमें जमा कर देते हैं। तो जो बैंकर होते हैं, जो भी मतलब बैंक एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं जमा राशि को स्वीकार कर लेते हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि मतलब कोई व्यक्ति क्या होता है कि अपना पैसा बैंक में लेकर जाता है और वहाँ के एजेंट को देता है, तो जमा राशि पैसा को जमा कर लेता है, बस हो गया एक्सेप्टेड डिपॉजिट। फिर एक ऋण प्रदान करना, मतलब कर्ज को देते हैं। मतलब है क्या कि जब ग्राहक से अच्छी पहचान हो जाती है तो बैंक वाले क्या करते हैं, उस व्यक्ति को लोन दे देते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है, या लोन देते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि बैंकों के एजेंट के द्वारा अपने ग्राहक को ऋण प्रदान किया जाता है, ठीक है, इसमें आप लिखेंगे। दूसरी बात है समान उपयोगिता संबंधित कार्य, जनरल यूनिवर्सिटी फंक्शन। अब दोस्तों इसमें आपका है क्या होता है, तो समान उपयोगिता संबंधित कार्य मतलब कोई व्यक्ति क्या होता है कि समान कार्य के लिए आपका है क्या कि पैसा जो है या तो ऋण जो है ले लेता है। अब एक एजेंसी संबंधित कार्य, तो व्यवसाय में अन्य काम क्या है, एजेंसी संबंधी कार्य, मतलब अलग अलग क्या होती है बैंकें जो है एजेंसियां लगाती है और उस एजेंसियों के माध्यम से उसका पूरा प्रचार प्रसार जो है कराती है। ये एजेंसी संबंधी कार्य हुआ, एजेंसियों का कार्य है कि अलग अलग बैंकों का स्थापना करना और फिर उसका प्रचार प्रसार करना। अब दोस्तों व्यवसायिक बैंकों द्वारा स्वीकार किए गए जमा राशि। अब जमा राशि जो है कई तरह से होता है, एक तो अस्थायी जमा होता है, फिक्स डिपॉजिट, एक करेंट डिपॉजिट और एक सेविंग डिपॉजिट और एक रिसीविंग डिपॉजिट। सबसे बात करते हैं अस्थाई जमा के लिए। अस्थाई जमा के लिए होता है क्या कि आप जब बैंक में पैसा लेकर जाएंगे तो वहाँ पर जो एजेंट होंगे वो पूछेंगे कि बताइए कितना दिन के लिए जमा करना है, एक साल, छः महीना, दो सालों के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको जो है बोनस मिलते हैं, यानी कि आपको ब्याज मिलता है। तो आप ऐसे ले सकते हैं कि जो व्यक्ति जो है अपने पैसे लेकर बैंक के पास जाता है तो बैंक के एजेंट जो है वो बोलते हैं कि एक साल या दो साल के लिए पैसा को जमा कर दीजिए, इसी को हम लोग अस्थाई जमा कहते हैं, मतलब आपने फिक्स कर दिया है। अब है चालू जमा, यानी कि करंट डिपॉजिट, मतलब जिसमें आपका वो चालू हमेशा रहता है। तो चालू जमा में आपका है क्या कि इच्छा के अनुसार आप चाहे तो पैसा निकाल सकते हैं, मतलब ये करंट है, ठीक है, चालू है, तो आप इसमें आपका व्यक्ति पैसा डाल सकता है और आसानी से निकाल सकता है, तो इसमें आपको जो है टैक्स नहीं बन पाते हैं। या रखिएगा, क्या लिखिएगा कि इसमें व्यक्ति का पैसा जो है चालू जमा में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति करेंट डिपॉजिट करता है तो उसमें पैसा का बोनस नहीं बन पाता है, क्योंकि वो निकालता है डालता है। अब है सेविंग डिपॉजिट, मतलब संचयी जमा। आइए इसको समझते हैं कि संचयी जमा क्या होता है। तो आपका है क्या, देखिए दोस्तों, अब इसमें संचयी जमा क्या होता है कि इंसान जब चाहे तब पैसा जमा कर सकता है, लेकिन जब चाहे तब नहीं निकाल सकता है। तो इसमें आपका है क्या, हमेशा जो है पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन उसके रूल के अकॉर्डिंग ही आपने 6 महीने या दो साल के बाद ही आप इसमें पैसा निकाल सकते हैं, आपने सेविंग कर रहे हैं। अब है क्या आवर्ती जमा। तो आवर्ती जमा में क्या होता है कि इसमें दोस्तों कम से कम आप ये समझ लीजिए कि इसमें निश्चित अवधि दी जाती है और कम से कम 60 से 72 महीनों के लिए दिया जाता है। क्या होता है, 60 से 72 महीनों के लिए इसमें पैसा जमा होता है और आवर्ती जमा में बहुत ज़्यादा बोनस बनते हैं। तो आपने देखा क्या, व्यावसायिक बैंक स्वीकार की जमा की है, एक अस्थाई, एक चालू, एक संचयी और एक आवर्ती। अस्थाई में फिक्स हो गया भाई साहब, उसमें आपका मतलब एक साल के लिए दो साल का होता है, चालू में आप पैसा निकाल सकते हैं डाल सकते हैं, संचयी जमा में आप क्या करते हैं मतलब पैसा सिर्फ डाल सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते हैं, एक फिक्स अवधि के बाद ही निकालेंगे। आवर्ती जमा में आपका है क्या कि दोस्तों इसमें कम से कम 60 या 72 महीने के लिए पैसा को जमा करना पड़ता है। अब है व्यावसायिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण के प्रकार। सबसे पहली बात है अभियांती एवं अल्प विकसित ऋण, ठीक है, लोन कल एंड शॉर्ट नोटिस। तो है क्या दोस्तों कि यहाँ पर देखिए अल्प मतलब लोन ऑफ कॉल मतलब छोटा सा, ठीक है, एंड शॉर्ट नोटिस मतलब छोटी सी आपकी नोटिस होती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो ऋण है वो बहुत ही अल्पकालिक ऋण मतलब बहुत ही कम समय के लिए दिया जाता है। आप ये बोल सकते हैं कि आपका है क्या कि मतलब इसमें ऋण जो है बैंक जो है
ऋण जो है बहुत कम समय के लिए देती है। क्या लिखेंगे आप इसमें? बैंक जो है ऋण कम समय के लिए देती है। दूसरा है नकद साख, यानी कि कैश क्रेडिट। इस व्यवस्था में क्या होता है कि बैंक अपने ग्राहक को ऋण पत्र जो है देती है, ठीक है ना, मतलब व्यवसाय के आधार पर ऋण देती है, न कैश दे देती है डायरेक्ट आपको। इसमें आप लिखेंगे कि व्यक्ति को बैंक जो है कैश के रूप में, ठीक है, नकद जो है पैसा दे देती है व्यवसाय के आधार पर। किस आधार पर? व्यवसाय के आधार पर। सॉरी दोस्तों। अब है अधिकर्षी। तो अधिकर्षी मतलब ओवर ड्राफ्ट, ये क्या होता है? इसमें आपका है क्या कि मतलब दोस्तों व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहक के खाते में जरा रकम से अधिक रकम मिलने की सुविधा देता है। मतलब अधिकर्ष में क्या होता है कि आपने जितना जमा किया, मान लीजिए 50,000 जमा किया है, तो अगर आपको मतलब पैसा इसे ज़्यादा चाहिए तो आपको इसमें ज़्यादा भी मिल जाता है अधिकर्ष में, ठीक है। ये आपका कर हो जाता है कि इसमें आप लिखेंगे कि बैंक जो है ग्राहक के पैसों से ज़्यादा पैसा कर्जा दे देती है। अब है विनिमय बिलों का भुगना। तो इसमें क्या है मामला? तो इसमें आपका है क्या कि दोस्तों विनिमय बिलों को बुनाकर ग्राहक ऋण प्रदान करता है। ग्राहक को क्या कर दिया जाता है? ऋण प्रदान किया जाता है। मतलब यह भी यहाँ भी कर्ज दिया जाता है, ग्राहकों को कर्ज दिया जाता है। और यहाँ पर ब्याज के दर जो है ना लगभग समान होते हैं। मतलब यहाँ पर आप इसमें ब्याज के दर समान ही होता है। अब एक ऋण और अग्रिम की बात करते हैं। ऋण और अग्रिम चीज़ क्या है? तो जब ऋण को एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है और आप कहते हैं तो उसी को ऋण अग्रिम कहते हैं। मतलब निश्चित समय को हमने कहा था कि एक साल के अंदर जो है ग्राहक को पैसा वापस कर देने हैं, इसको बोलते हैं ऋण या अग्रिम। लोन एंड क्या एडवांस है। तो है कि दोस्तों इसमें आप क्या लिखेंगे, मतलब लिखेंगे समझना जरूरी है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से आपको बताता हूँ। इसमें अल्प समय के लिए ऋण दिया जाए, बहुत कम समय के लिए ऋण दिया जाएगा। दूसरा मैं आपका है क्या नगद साख, मतलब बैंक आपको उसी समय कैश दे देती है, ठीक है, आपके व्यवसाय के आधार पर। और अधिकर्ष में मतलब आपके बैंक में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा आपको लोन देती है। और विनिमय में आपको है क्या कि दोस्तों विनिमय बिलों का भुगतान करती है, ठीक है, मतलब अपना रसीद वगैरह देती है। फिर क्या ऋण और अग्रिम में आपको इसमें होता है कि दोस्तों कि बैंक जो है एक निश्चित समय के लिए आपको लोन देती है। अब है व्यावसायिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं क्या है? तो यात्रियों को चेक और साख प्रमाण पत्र जारी करती है। मतलब यात्रियों को चेक दिया जाता है दोस्तों, चेक, और चेक में लोग अपना भर कर पैसा निकालते हैं। और दोस्तों एक चेक भी कई तरह के होते हैं। साख प्रमाण पत्र, और यहाँ पर आपका है साख प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, मतलब एक कार्ड बना दिया जाता है उसको। एक लॉकर की सुविधा देती है, मतलब आप लॉकर में जाकर जेवर वगैरह जो भी है सोना चांदी रख सकते हैं, उसका चाबी आप ही के पास रहेगा। फिर एटीएम में क्रेडिट कार्ड की सुविधा, मतलब एटीएम भी देती है आपको, क्रेडिट कार्ड भी देती है, ठीक है। और एटीएम का फुल फॉर्म कहते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है दोस्तों, जिसमें आप प्लास्टिक का कार्ड होता है, इसे आप जाकर आसानी से पैसे को निकाल सकते हैं। और याद रहे जिस बैंक का कार्ड हो आप उसी बैंक से निकालेंगे तो आपके पैसे कम कटने के डर रहते हैं, अन्यथा पैसे कटने के चांसेस हो जाते हैं। अब है व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े का एकत्रीकरण। तो है क्या व्यापारी को सूचना कलेक्ट करती है, मतलब बतलाती है, और फिर आंकड़ों को एकत्रित करती है, ठीक है। अब है दोस्तों सहकारिता, ये आपका बहुत VBI है, ये कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, आप VBI लगा लीजिएगा। तो है क्या सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। क्या होता है? एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। और देखिए दोस्तों सहकारिता एक ऐसी संगठन है जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलजुल कर आर्थिक लाभ के लिए कार्य करते हैं। मतलब बहुत आसान है कि पहले बात सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, दूसरी बात सहकारिता एक ऐसी संगठन है जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलजुल कर क्या करते हैं, तो कार्य करते हैं। सहकारिता दो सहकारिता सिद्धांत बताता है कि शक्तिहीन व्यक्ति, मतलब बहुत कमजोर व्यक्ति जो है एक साथ मिलकर व्यापारी कार्य करके लाभ कमा सकता है। मतलब बहुत कमजोर व्यक्ति है तो आपका है क्या वो मिलजुल कर अगर काम करेगा तो आगे जा बढ़ सकता है। अब सहकारिता के उद्देश्य की बात करते हैं। तो सहकारिता का उद्देश्य है कि अच्छी कृषि हो और अच्छी क्या हो जीवन संभव। मतलब सहकारिता का उद्देश्य यही है कि मतलब जो कृषक हैं उनका जीवन बहुत बेहतर हो और जीवन अच्छे जीवन में क्या हो संभव हो। अब सहकारिता का मूल सिद्धांत क्या है? तो अब प्रत्येक के लिए, अब है क्या अब प्रत्येक लिए और प्रत्येक सबके लिए है। अब प्रत्येक लिए और प्रत्येक मतलब सब प्रत्येक लिए, देखिए आपकी जगह यहाँ पर क्या होगा दोस्तों सब, आप सब लिख लीजिएगा, ठीक है, सब 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 प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सबके लिए है। मतलब ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, ठीक है, सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सबके लिए, ठीक है, ये सहकारिता का आपका मूल सिद्धांत हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों सहकारिता के कितने सिद्धांत हैं। तो सहकारिता की याद रखिएगा आप लोग
कि तीन सिद्धांत है। कितने सिद्धांत है? तीन। पहला है सहकारिता का सदस्यता, दूसरा है प्रबंधन और संचालन, मतलब सदस्य पहले बनिए फिर उसका प्रबंधन कीजिए उसके बाद संचालन कीजिए, और फिर उसका दोस्तों आर्थिक लाभ के लिए, मतलब कोई भी बैंक वाला काम होगा लाभ के लिए होगा। 1904 में सहकारिता समिति विधान पारित हुआ, तो है क्या सहकारिता समिति विधान पारित कब हुआ? तो 1904 में हुआ। फिर आपका है 1914 में मैक्स लेगन समिति नियुक्त की। फिर आपका है क्या सहकारिता के लिए मैक्स लेगन समिति कब नियुक्त की? तो 1904 में किया गया। सहकारी बैंक, आप देखिए ये सहकारी बैंक जो है ना तीन होती है, एक प्राथमिक होती है मतलब छोटे, एक राज्य स्तरीय होती है और एक केंद्रीय स्तरीय होती है, ठीक है, मतलब एक जिला में हो जाती है और एक राज्य में हो जाती है और एक केंद्र में हो जाती है। भारत में RBI की स्थापना जो है कब होती है दोस्तों, याद रखिएगा 1935 में होता है। कब होता है? 1935 में। कब होता है मेरे साथी? 1935 में होता है। भारत में RBI की स्थापना कब होती है? 1935 में होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ठीक है। और आप ये भी याद रखना कि दो रुपया से अधिक के जो नोट है ना वो सब RBI ही छापती है। कौन छापती है? RBI छापता है। कौन छापता है याद रखिएगा? RBI। 2 रुपये से जो भी अधिक के नोट होते हैं उसे कौन छापता है? RBI छापता है, ठीक है। 2 रुपये से अधिक के नोट RBI, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी। जैसे 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये, 50 रुपये, सब का छापेगा RBI द्वारा। फिर बात करें दोस्तों कि भारत में 1 रुपये का कागजी नोट या सभी सिक्के कौन जारी करता था? केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा। कौन जारी करता है? केंद्र सरकार के 1 रुपये का। ये स्पेशल क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार का 1 रुपये कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार का वित्त विभाग। कौन बनाता है? केंद्र सरकार का वित्त विभाग। इसका कई सारे गाइडों में उत्तर गलत है। अब यह रखिए 1 रुपये का नोट कौन बनाता है? केंद्र सरकार का वित्त विभाग, जो फाइनेंशियल होता है। अब है स्वयं सहायता समूह, ये आपका लास्ट टॉपिक हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप। दोस्तों है क्या ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्ति मिलकर अपनी बचत या बैंक से ऋण ले लेते हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि 15 से 20 व्यक्ति क्या होते हैं वो मिल जाते हैं, और अगर उनके पास बचत होती है 20 रुपये 50 रुपये, ठीक है, तो उसके हिसाब से या बैंक से क्या करते हैं वो लोन ले लेते हैं, और लोन लेकर एक व्यवसाय करते हैं और उसके बाद लाभ कमाते हैं, तो उसी को स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। स्वयं सहायता समूह के लिए आपको एक मैं कहानी भी सुनाना चाहूँगा जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है और ख़ासकर ये महिलाओं में देखा गया है। दोस्तों ये कहानी आपको सबसे पहले बता दिया जाए कि ये कहानी जो है एक बिहार के नवादा ज़िला की है। कहानी कहाँ की है? बिहार की नवादा ज़िला की है। ये बिहार की दोस्तों, ठीक है, बिहार ये कहाँ की है? नवादा ज़िला की, ठीक है। अब बिहार की जो नवादा ज़िले की कहानी है इसमें क्या होता है कि यहाँ पर बहुत पिछड़े लोग रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर महिलाओं ने क्या किया कि एक पंजाब नेशनल बैंक से, किसे? PNB से, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक से 15,000 रुपया इन्होंने क्या कर लिया? लोन ले लिया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने टोकरी का काम करना शुरू किया। क्या काम करना शुरू किया? टोकरी का। ये महिलाएं कितनी थी आप याद रखिएगा? 20 महिलाएं मिलकर, 20 महिलाओं ने मिलकर क्या किया? 15,000 रुपया क्या किया? लोन लिया और टोकरी का काम बनाना शुरू किया, मतलब टोकरी जो खांची उची होते हैं बनाना शुरू किया। पहली बार उनको जो लाभ हुआ वो कितना हुआ तो ये भी आप देख रहे, 6,000 हुआ। मतलब 15,000 बैंक को सुधारने के बाद उनके लाभ कितना हुआ? 6,000। फिर वो 6,000 रुपया में आपस में 20 लोगों मिलकर बांट लिए और ऐसे कर उनको मतलब बढ़ोतरी जो है होती गई। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगर किसी व्यक्ति को मतलब अकेले मन नहीं करता है तो आपका है क्या कि किसी के साथ मिलकर अपने व्यवसाय को चालू करे और आगे वो बढ़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर करिए। हम आपके लिए आपको पूरा इकोनॉमिक्स का एक ऑब्जेक्टिव ही बिहार बोर्ड का जरूर डालूंगा, जो कि बिहार बोर्ड के जो BTC किताब होती है उससे रहेगा, और उसे आप ज़रूर देखेंगे और करेक्ट उत्तर को याद करेंगे, ताकि गाइडों में देखें दोस्तों बहुत सारे आंसर जो है गलत रहते हैं इसकी वजह से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।